Uh, सबको नमस्कार एंड uh, आपका माध्यम से मैं पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है या ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि uh, पोमा नदी में या वहाँ में पपूम नदी में मछलियाँ मर रहा है बोल के तो uh, मेरा जो कंसर्न ऑफिसर दिए एफ और उसका टीम एक साइंटिफिक टीम वहाँ जाके थोड़ा uh, टेस्टिंग भी किया है तो वहाँ इन लोग का फर्स्ट हैंड जो स्टडी में ये पक आ, देखा गया है कि उनको ये लगा है कि मछली का बीमारी एक होता है कि वो उनका रिपोर्ट में ये आया है कि एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम यानी कि एक अल्सर टाइप का एक ये है इसका कारण जो है वायरस या बैक्टीरिया या फंगस फंगल, फंगल इन्फेक्शन टाइप का है लेकिन उनमें ये पाया गया है कि सब मछली नहीं मर रहा है जो बोतम फीडर है यानी कि जो नीचे का जो पत्थर जो है उसमें काता है वही मर जा रहा है यानी कि ये रिपोर्ट मिला तो इन लोगों ने ये किया कि फ़िलहाल हम लोग को ये एडवाइस दिया या कन्जम्पसन ऑफ जो मछली है इवन लोकल मछली जो है उसको खाना नहीं चाहिए कि हानिकारक हो सकता है सेहत के लिए तो ऐसा करके हमने यहाँ नोटिस दिया है कि आप दो सप्ताह के लिए मछली हुपुम और पमा का यानी कि हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल संधूपत्ता है तारासो है तो बली है इसका मछली नहीं खाना है बोल के बताया गया मतलब नोटिस दिया है फिर रिसेंट डेवलपमेंट कल का एक ये रिपोर्ट आया कि रिपोर्ट किया गया है कि मछली जो है पाजर नदी में भी कुछ ऐसे मोटेलिटी हुआ है तो वहाँ में मेरा डिस्ट्रिक्ट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर और उनका टीम ने जाके वहाँ देखा है विजिट किया है टेस्ट किया है तो जो डैम के नीचे में दाम का जो पानी नीचे में है उस साइड में पाया गया है तो उसमें ये बताया गया है कि मोर देन टू हंड्रेड स्पेसिस मछलियाँ हैं यहाँ में फ्रेश वाटर में तो आउट ऑफ टू हंड्रेड स्पेसिस में सिर्फ दो या तीन प्रजाति का मछलियाँ मर रहा है वो भी बोतम पीटर जो बोला है तो इसलिए आपने पूछा कि इनका क्या स्टेप आप लोग ले रहा है तो इसमें यह है कि हम लोगों ने डिपार्टमेंट का डायरेक्टोरेट ऑफ जो है एक वहाँ रिपोर्ट दिया है उत्तराखंड में एक तो इंस्टीट्यूट है डायरेक्टोरेट ऑफ कोल्ड वाटर उत्तराखंड वहाँ का वहाँ से मतलब हम लोग का कम्युनिकेशन है डिपार्टमेंट का तरफ से तो वहाँ से साइंटिस्ट आएगा साइंटिफिक टीम एक्चुअली फाइंड आउट करेगा कि एक्चुअली किस लिए मछलियाँ मर है तो फ़िलहाल मैं फिर कर एक कल एक नोटिस जारी किया कि आप फिर अनदर टू वीक्स मछली सेवन ना करें ऐसे भी रिपोर्ट आया है कि कुछ कुछ मतलब फिस फोन में कुछ कुछ देखा गया है तो ऐसे तो फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि फिश फोन का मछली हम तो खाने के लिए मना नहीं किया और एक बार फोन का जितना भी मालिक है वो भी थोड़ा देखे अपने फीसफोन में क्या है जो भी कर सकता है ये मछली मरने का जो है केसेस को लोग भी अच्छा से संभालना है क्लीन करना जो भी एडवाइस पिसारी का तरफ से लेना है लेना है बोल के प्रजेंट स्टेटस यही है ये लोग अभी पहुँचा नहीं है हम लोग को वही खबर दिया है कि दे आर कमिंग विथ साइंटिफिक टीम ये लोग स्टडी करेंगे exactly यहाँ हम लोग टेस्टिंग के लिए भी हम लोग तो फर्स्ट हैंड टेस्टिंग यानी कि प्रीलिमिनरी टेस्टिंग ही हम लोग का कहा जाएगा बिकॉज टेस्टिंग उस तरह से हम लोग का नहीं है यहाँ पे तो इसलिए जो हम लोग का रिसोर्सेस है यहाँ जो हो सकता है वही हम लोग किया लेकिन वेरी सुन वे आर एक्सपेक्टिंग देयर अराइवल एंड ये जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सुलझा लेगा

लेकिन सीवरेज जो नाला है ये से नदी में जाता है कुछ कुछ हद तक उसका भी थोड़ा एक हो सकता है लेकिन कपड़ा धुलाने का डिटर्जेंट डालने का ऐसे तो इशू ज़्यादा यहाँ नहीं लग रहा है हाउएवर जैसे आपने पूछा है हम लोग इस समय में हम लोग नहाना यानी कि वहाँ में पोल्यूट करना अवॉइड करने से ठीक है क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है ना बैक्टीरिया है ना वायरस है या हम लोग का बॉडी में यानी कि ह्यूमन बींग को वो कैसे लग सकता है वो अभी तक हम लोग प्रूव नहीं किया या हम लोग रिसर्च नहीं किया तो फ़िलहाल नदी में नहाना आ या वहाँ का मछली को खाना लोकल फिशेस को खाना वो हम लोगों ने फिलहाल के लिए मना करके रखा है